नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आसपास सफाई रखें। आज मैं एक ऐसे क्लिनिक पर हूँ जिसका नाम है आयुर्वेद संजीवनी, और उनके डॉक्टर हैं संदीप जी, संदीप वर्मा जी, जो कि पूरे फरीदाबाद और पूरे देश में आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर हैं। तो काफ़ी दिनों से वो जुड़े हुए थे साथ में, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग समाज के लिए, देश के लिए इतना काम करते हैं, तो अपना भी समय निकालें अपनी सेहत के लिए। तो आज मैं जैसे गाड़ी की सर्विस करवाता हूं, उन्होंने ही कहा था, तो उसी तरीके से आज मैं अपनी सर्विस करवाते हुए, आज 2 दिन हो गए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, मैं चाहूँगा कि वो भी आज आप सबको कुछ ना कुछ बताएं, पूरे मिशन जागृति परिवार को। डॉक्टर साहब, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मिस्टर परवेश जी, भाई साहब हैं हमारे, बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं समाज सेवा के लिए मिशन जागृति के माध्यम से, और बहुत खुशी होती है उनकी इतने सोशल सर्विस के एक्टिविटीज़ को देख के। खुद को भी एक लगता है कि कुछ अच्छा हम भी करें समाज के लिए। और ये जो है वो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैं अभी शेयर कर रहे थे भाई साहब की, आयुर्वेद जो पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं वो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, इसमें हम अलग अलग प्रोसीजर के द्वारा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने के ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। जैसे आयुर्वेदिक तेलों से मालिश करना पूरी बॉडी पे, हर्बल मेडिसिन से स्टीम देना, या मेडिसिन की पोटली से सिकाई करना, या जड़ी बूटियों से वॉमिटिंग करवाना, लूज मोशन लगवाना, गंदा खून निकालना, शिरोधारा के ट्रीटमेंट, ऐसे ये सब जो है पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स में आते हैं। और ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, जिससे कोई भी रोग है वो परमानेंट ठीक होता है, और जो स्वस्थ लोग हैं वो भी ये चिकित्सा लेके अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। जैसे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारः प्रशमनं च, ये जो हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है कि हेल्दी पर्संस कैसे ठीक रहें, उसके लिए हमारा ये सर्विस हम पिछले काफ़ी सालों से फरीदाबाद में दे रहे हैं। और भाई साहब से भी यही था कि आप इनका जो इतना ज़्यादा योगदान है पूरे समाज के लिए, तो इनकी हेल्थ कैसे हम अच्छी रख सकते हैं उस बारे में हमारी चर्चा हुई, और इनका ये ट्रीटमेंट शुरू किया हमने, और बहुत अच्छा इनको बेनिफिट भी मिल रहा है। और आप सब भी आयुर्वेद के द्वारा अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें जो है ये आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी चिकित्सा लेते हैं, जो भी लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कुछ विशेष रोल नहीं प्ले करती। सिर्फ आप बीमारियों को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े, आपको रोग हो ना, तो उसमें आपको आयुर्वेद के ये नियम, ये दिनचर्या की जानकारियाँ, प्राणायाम और जो है पंचकर्मा थेरेपीज, इन सब का फॉलो करके आप बहुत अच्छे से अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो फरीदाबाद में बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पूरे कोविड में भी वो लगातार सेवा करते रहे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं? इसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि जैसे आप सर्विस समाज में, आप मान लो सेवा कर रहे हैं, पब्लिक, आप पब्लिक से जुड़ते हैं, बड़े बड़े आपकी मीटिंग्स, प्रोग्राम, सेमिनार्स, अलग अलग तरीके से अवेयरनेस के कैंपेन चलते हैं, तो उसमें कोविड आप सब जानते हैं कि मतलब इसमें जो बेसिक रूल हैं, नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, वो हमें जरूर फॉलो करना है कि हम जो है चाहे ग्रुप में भी रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क का हम प्रयोग जरूर करें, और साथ में अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ आयुर्वेद के, जैसे आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई, कुछ काढ़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं, अपने गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं, तुलसी का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का दूध आप पी सकते हैं, दिनचर्या को अपनी सही रखें, रात को प्रॉपर आप नींद लें, डेली जो है 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको समय मिले योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम का अभ्यास करें, घर का भोजन करें, बाहर का जो भी तला हुआ फास्ट फूड, मिठाई, मैदा, ये सब अवॉइड करें, तो इतना करने से भी हम काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को अच्छी करके इन सब डिजीज से बहुत अच्छे से बचाव कर सकते हैं। मतलब कोविड से भी बचाव रहेगा और भी सभी डिजीज से आप बचे रहेंगे, अगर आप ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। एक कहावत होती है, जब जागो तब सवेरा, तो मुझे तो आयुर्वेद संजीवनी ने और डॉक्टर संदीप वर्मा ने जगा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इसी तरह से जाग जाएं। और ये इनका जो क्लिनिक है फरीदाबाद में 3 नंबर में है, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, और इनका मैं नंबर भी इसी वीडियो में नीचे दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।